राशि, मैं जिगर को परोस देती हूँ। वो आंगन में मैंने सूखी मिर्ची रखी है सुखाने के लिए, जरा देख लो, गोपी किसी और काम में लगी है। जी क्या बात है बेटा? राशि, तुमसे कुछ खींची खींची सी लग रही है। माँ, वो अहम भाई से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि उनके फोन का बिल 80,000 रुपए आया है और उसमें उसमें ज्यादातर कॉल राशि ने किए स्विट्जरलैंड से अपनी मम्मी को। 80,000 रुपए? अहम भाई ये बिल भर देंगे, लेकिन जब इस बारे में मैंने राशि से बात करने की कोशिश की तो वो मुझसे ही नाराज हो गई। अब मैं उसे कैसे समझाऊं माँ कि इस सब की वजह से मैं अहम भाई से नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो जिगर, मैं बात करूंगी राशि से। सारे मोदी इंडस्ट्रीज वाले राजकोट के नामचीन घरानों में से एक है, जहां शादी करने के लिए मैं मरी जा रही थी। मैंने सोचा था कि एक बार शादी हो जाए फिर मैं राज रानी की तरह राज करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुहावरा एकदम सही है, ऊंचे दुकान और फीके पकवान, ये तो सिर्फ देखने और सुनने की रईस है, लेकिन किस बात की रईस? ना ठीक से शॉपिंग करने देते और ना ही एक बार फौरन से क्या फोन कर लिया तो जैसे घर में हल्ला मच गया, बेटा भी वही कहा जा रहा है और माँ भी, और वो पार्लर की अपॉइंटमेंट वो तो सिर्फ 5,000 रुपए की बात थी, फिर भी घर में जैसे हाहाकार मच गया। उफ, मैं भगवान, मैं तो इस घर में नौकरानी बन गई हूँ, नौकरानी, लेकिन मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और वैसे भी मेरी सास आके मुझसे बात करना चाहती थी ना, अब रुको मैं ही जाके बात करती हूँ और उनका मुंह बंद कर दी। मम्मी जी, मम्मी जी, मुझे आपसे बात करनी है। कहो। मम्मी जी, मैं जब यहाँ शादी करके इस घर में पहली बार आई थी तब मैं बस इतना ही जानती थी कि मुझे वो सब कुछ भुला देना होगा कि मैं किसी और घर से आई हूँ। मुझे ये भी भूलना होगा कि इस घर में आने से पहले मैं उन माता पिता को पीछे छोड़ के आ रही हूँ जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और मुझे अब उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राशि, ये तुम क्या बोले जा रही हो और क्यों? आखिर बात क्या है? मम्मी जी, बात ये है कि मैं पहली बार अपनी मम्मी से इतनी दूर गई थी स्विट्जरलैंड, और हर माँ की तरह मेरी माँ भी इसी चिंता में थी कि मेरी बेटी सही सलामत है या नहीं, तो बस उनकी तसल्ली के लिए मैंने उन्हें वहां से 2-3 बार फोन किया था, लेकिन जब से वो फोन का बिल आया है ना तब से हर एक की जुबान पर बस एक ही बात है कि मुझे वो फोन नहीं लगाना चाहिए था, मुझे इतने फोन पे खर्चे नहीं करने चाहिए थे। मम्मी जी, क्या मेरे जज्बातों की कीमत सिर्फ अब पैसों में तोली जाएगी? क्या मैंने जो खर्चा किया है उसका मुझे दंड भुगतना ही पड़ेगा? तो ठीक है, मैं दंड भुगतूंगी और आपके जो भी पैसे है ना मैं वो चुकते भी कर दूंगी। शांत हो जाओ राशि, संभालो अपने आप को। नहीं मम्मी जी, ना मुझे शांत होना है और ना ही मुझे अपने आप को संभालना है, मुझे बस वो फोन के बिल का बोझ अपने सर के ऊपर से निकाल देना है, जिसके वजह से मैं इस घर के कटघरे में एक गुनहगार के रूप में पेश कर दी गई हूँ।
2840 रुपए और 6 रुपए चिल्लर भी है। ले लीजिए, मेरे पास अभी जितने पैसे हैं उतने पूरे के पूरे ये दे रही हूँ मैं। लेकिन मैं वादा करती हूँ, पैसे जोड़ जोड़ कर मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगी। राशि, ये क्या बदतमीजी है? नहीं वो काकी जी, मैं क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लहजे में और इस जबान में मोटा भाभी से बात करने की? अपनी सास की अच्छाई और भलेपन का फायदा उठाने से पहले तुमने पल भर के लिए भी नहीं सोचा कि तुम किससे बात कर रही हो? तुम जिससे बात कर रही हो वो तुम्हारे पति की माँ है, जिन्होंने हमेशा तुम्हें बेटी माना है और हमेशा तुम पर प्यार लुटाती आई है। वो उनसे इस तरह से बात करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? राशि, वो मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। झूठ बोल रही हो तुम। ये पैसे पकड़ा कर तुम मोटा भाभी का अपमान नहीं कर रही थी? राशि, इसे ही कहते हैं बड़ों का अपमान करना। तुम्हें क्या लगा ये पैसे चुकाकर तुमने जो गलती की है उससे तुम पल्ला झाड़ लोगी? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम क्या कह रही थी मोटा भाभी से ऊंची आवाज में और बदतमीजी से कि बार बार तुमसे बिल की बात कह के तुम्हारे जज्बात की कीमत आकी जा रही है? वो जज्बात जो तुम्हारे मन में तुम्हारे माता पिता के प्रति है, तो यही बात इसी घर में हम सब पर और मोटा भाभी पर भी लागू होती है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है शादी करके जब से तुम हमारे परिवार में आई हो, मोदी परिवार में, तब से तुमने सिर्फ गलतियां ही की है, गलती पर गलती, गलती पर गलती। गौर से देखो मोटा भाभी को, इन आंसुओं की कीमत तुम्हारे ये पैसे चुका पाएंगे? नहीं मोटा भाभी, इसे ये समझना होगा कि अगर हमारे घर की बेटी किंजल ने भी अगर ये नुकसान किया होता तो उससे भी राशि हम इसी तरह से सीधी सीधी बात करते। एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम राशि, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम अपनी मां से बात करती हो, लेकिन हर वक्त दिन रात 24 घंटे, आखिर कब तक कितना बात करोगी और क्या बात करोगी? लेकिन हम सब ये जानते हैं कि एक बार फोन तुम्हारे हाथ में आ गया तो तुम्हें बात करने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम में ये समझदारी होनी चाहिए कि कितनी बात जरूरी है और कौन सी बात बेमतलब और फालतू की है, इसीलिए तुम्हें फोन करने से रोका गया है। राशि, तुम सुन रही हो ना मैंने क्या कहा? या फिर मैं तुम्हारी मां को फोन लगाकर उनसे कहूं कि वो तुमसे कहे कि मोटा भाभी से माफी मांगो? नहीं मोटा भाभी,
आपका अपमान किया है राशि ने, बदतमीजी से आपसे बात की है, तो इसे माफी मांगनी होगी। राशि माफी मांगो अपनी सास से। माफी इसी वक्त मांगो। सॉरी। क्या कहा? नहीं, क्या कहा मुझे सुनाई नहीं दिया। उतनी ही जोर से बोलो जितनी की ऊंची आवाज में तुम मोटा भाभी से बदतमीजी से बात कर रही थी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये हुई ना बात, आइंदा से ऐसी बदतमीजी अगर तुमने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब ये पकड़ो परात और इसे वहां रखो जहां इसे होना चाहिए, वरना वापस तुम इसे अपने कमरे में ही छोड़कर आ जाओगी। जाओ।